क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज से हम अंतरिक्ष में क्यों नहीं जा सकते? जब हम हवाई जहाज से हवा और आसमान में यात्रा कर सकते हैं, तो अंतरिक्ष में क्यों नहीं? चलिए जानते हैं कि क्या हवाई जहाज से हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं या नहीं। एयरक्राफ्ट का इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि आसमान में मिलता है, लेकिन अंतरिक्ष में नहीं। इंजन में तेल को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर जलाया जाता है और उससे ऊर्जा निकाला जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परिमाण ऊंचाई के साथ घटता जाता है। सवारी विमान में सामान्यतः हाई बाईपास टर्बोफन इंजन लगाया जाता है, जिनका अधिकतम ऊंचाई 40,000 फुट के आसपास होता है। कॉनकॉर्ड में टर्बोजेट इंजन थे, जिनकी सीलिंग था 60,000 फुट। SR-71 में रामजेट इंजन थे, जिनकी सीलिंग था 90,000 फुट। टर्बोजेट और रामजेट भी स्पेशल डिजाइन के होते हैं, ताकि वो रेयरफाइड एटमॉस्फेयर में चल पाए। लेकिन 1,00,000 के ऊपर इतना कम ऑक्सीजन रहता है कि वहाँ जाने के लिए रॉकेट इंजन चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन भी टैंक के अंदर रहता है। हवाई जहाज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार नहीं कर सकते। अंतरिक्ष में जाने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करना पड़ता है, जो पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पार होता है। ये वेग हवाई जहाज पार नहीं कर सकता, इसलिए मिसाइलों का प्रयोग किया जाता है। मिसाइल पहले पृथ्वी के ऑर्बिट के कई चक्कर लगाती है, फिर जब पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो फिर वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भेद पाती है तथा अंतरिक्ष में जा पाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप तक ऐसी और भी कई खबरें, जानकारियां और तथ्य यूं ही पहुंचाते रहेंगे हर रात 9 बजे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।